वे दायित्व है जिनसे समाज का विकास होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले कहां किया गया था? 1921 में कराची अधिवेशन में किया गया। ठीक है, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में इसको सूची में जोड़ा गया। इसमें मौलिक कर्तव्यों की सूची में इसको जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। एक नया भाग भी बना हुआ है 4A जिसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया। भाग और अनुच्छेद होते हैं ना, तो 4A भाग में इसको जोड़ा गया और अनुच्छेद था 51A। ठीक है, 51A के अंतर्गत 10 हमको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों का हमको क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा हमको करनी चाहिए। चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। पांचवा, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, यानी भाईचारा का विकास। छठवा है भारत की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की हमको रक्षा करनी चाहिए। सातवा, राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति हमको क्या रखना चाहिए? दया भाव। आठवा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन का विकास। नौवा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा को हमको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। दसवां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। चलिए आप बताइए कि कब किया गया इसका उल्लेख, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिवेशन में किया गया? आप कहेंगे किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया? हाँ बताओ। हाँ, वेरी गुड, बैठो। अब ये बताइए, एक नया भाग बना था, कौन सा भाग जोड़ा गया था? आप बताओ। भाग 4। हाँ, वेरी गुड, बैठो। अनुच्छेद भी था, एक अनुच्छेद था जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 51। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10। वेरी गुड, बैठो।